नमस्कार, दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भाजपा सांसद सोनाराम को थप्पड़ मारा। राजस्थान के बाड़मेर से भाजपा सांसद कर्नल सोनाराम को एक युवक ने थप्पड़ मार दिया। सोनाराम महेश शिक्षण संस्थान में एक शादी समारोह में गए थे, जहां दो व्यक्तियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनमें से एक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। सांसद के अंगरक्षक पुरखा राम की प्राथमिकी पर ग्रामीण थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है। अफगानिस्तान में अमेरिकी दूतावास के निकट धमाका, 28 की मौत। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मंगलवार सुबह व्यस्त समय में अमेरिकी दूतावास के नजदीक हुए भीषण विस्फोट में 28 लोगों की मौत हो गई। अफगान खुफिया एजेंसी के कार्यालय के समीप हुए हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। काबुल पुलिस के प्रमुख अब्दुल रहमान रहीमी ने विस्फोट में 28 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर सामान्य नागरिक हैं। कटरा में वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता वैष्णो देवी नारायण सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का मंगलवार को उद्घाटन किया। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने कटरा के निकट काकरियाल में करीब 300 करोड़ रुपए के निवेश से 230 बिस्तरों वाले इस अस्पताल का निर्माण किया है। अस्पताल में हृदय रोग विज्ञान, कार्डियोथोरेसिस सर्जरी, तंत्रिका विज्ञान, न्यूरो सर्जरी, नेफ्रोलॉजी इत्यादि समेत 20 से अधिक विभागों में चिकित्सा एवं सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। मराठवाड़ा के बांधों में बचा है सिर्फ 3% पानी। सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए एक और बुरी खबर है कि उसके बांधों में केवल 3% पानी ही शेष बचा है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि क्षेत्र के 11 बड़े बांधों में से 8 बांधों में पानी बेहद कम हो गया है। औरंगाबाद के संभागीय आयुक्त उमाकांत डांगत ने बताया कि पिछले साल इस समय तक मराठवाड़ा के बांधों में 11% पानी था, जबकि इस वर्ष पानी की मात्रा में भारी गिरावट आई है। पिछले 5 वर्षों में मराठवाड़ा में सूखा पड़ने का यह चौथा साल है। लगातार 2 वर्षों से इसके सभी 8,522 गांव सूखे से प्रभावित हैं। कश्मीर के हंदवाड़ा में बाजार से हटे सुरक्षा बलों के 3 बंकर। उत्तरी कश्मीर के हिंसा प्रभावित हंदवाड़ा शहर में मंगलवार को स्थानीय निकाय अधिकारियों ने मुख्य बाजार से सुरक्षा बलों के 3 बंकर हटाए। स्थानीय निवासी लंबे समय से इन बंकरों को हटाने की मांग कर रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुख्य बाजार के मध्य में बनाए गए मुख्य बंकर को भी खाली करा लिया गया है और उसे स्थानीय निकाय अधिकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।